वेलकम बैक ऑन माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो ओके गाइज, टूडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल्स। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज मॉडल। मॉडल्स को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब सहायक क्रिया। ये क्या होती है? एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है जिसे हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं मॉडल्स की। ए मॉडल वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब दैट कॉन्टेक्स्चुअली इंडिकेट्स ए मॉडलिटी सच एज ए लाइकहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। ये क्या होती है कि मॉडल वर्ब एक इस टाइप की वर्ब होती है जो कि क्या किसको दर्शाती है? लाइकहुड को, हमारी योग्यता को, परमिशन, लाइक हमें किसी से परमिशन लेनी हो, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी हो, किसी की कैपेसिटी बतानी हो, सजेशन देना हो, ऑर्डर देना हो, ऑब्लिगेशन हो या कोई एडवाइस हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडल वर्ब्स। ओके, सो देखते हैं एडवाइस के लिए कौन कौन सी यूज होती हैं? शुड, आउट टू और मस्ट, जिनका मतलब क्या होता है? चाहिए। ओके, सो आइए इन्हें समझते हैं विद एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ये तो है एक प्रकार की नॉन पोलाइट रिक्वेस्ट एडवाइस, लाइक हम सीधी कह देते हैं तुम्हें करनी चाहिए। अब वो करे ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक होती है पोलाइट रिक्वेस्ट, यू आउट क्लीन अप योर रूम, लाइक आपकी मम्मी आपसे कहे कि तुम्हें अपना रूम साफ कर लेना चाहिए, तो क्या है कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट है कि अगर आप करोगे। आउट टू मतलब थोड़ा वो विनम्र से निवेदन कर रहा है कि आप इसे साफ कीजिए, ये अच्छा लगेगा। वी मस्ट अटेंड हिज मैरिज। अब मस्ट का कैसे होता है? लाइक कोई भी 100%, लाइक वो हमारे ऊपर लाइक दबाव ही एक प्रकार का समझ लो, वो हमारे ऊपर क्या है, थोप रहे हैं, तो हमें ये बात माननी पड़े कि वी मस्ट अटेंड हिज मैरिज, कि हम उसकी मैरिज पर जरूर जाएंगे। यहाँ पर जो निश्चितता होती है वो 100% होती है कि वहाँ हम सर्टेनली जाएंगे। ओके, तो ये होती है सीनियर से। ओके, जो हमारे सीनियर हमसे बोलेगा कि वी मस्ट अटेंड हिज मैरिज, अब हमारा सीनियर बोले तो हमें माननी पड़ेगी, वही बात होती है। आउट होती है पोलाइट रिक्वेस्ट, शुड हम किसी से भी बोल सकते हैं, या कोई छोटा दे बड़े को दे सकता है एडवाइस, बड़ा छोटे को दे सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ए परमिशन लेने की, लाइक कैन मी कुड, लाइक इनका यूज किस किस टाइप में होता है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट होता है कैन, अब अगर हम परमिशन लेते हैं तो सीनियर टू जूनियर, अगर हम सीनियर टू जूनियर, सीनियर जो होता है वो जूनियर से लेता है रिक्वेस्ट, तो परमिशन लेता है तो क्या यूज करेगा? कैन। जूनियर टू सीनियर क्या लगाएंगे? मे। पोलाइट परमिशन के लिए कुड आई गो देयर, अगर हमें किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से पूछना हो मे आई कम इन सर, या हमें किसी अपने बड़े से पूछना हो भी कुड आई यूज दिस, कुड आई टेक योर बाइक, लाइक दैट, सो वी कैन यूज दीज मॉडल्स। सो के देखते हैं कैन, सो इसका मतलब होता है सकना, कोई भी हम काम कर सकते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? कैन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ये परमिशन ली है। कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, अब इसका यूज एक तो परमिशन के लिए हो गया, दूसरा किसके लिए होता है? यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी या टू एबल टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ भी हम अपनी जो एबिलिटी किसी के सामने व्यक्त करते हैं उसके लिए कैन यूज होता है। लाइक आई कैन मेक फूड, मैं अब अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं फूड बना सकती हूँ। ही कांट स्पीक फ्रेंच, ये उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो फ्रेंच बोल ले, ठीक है,
यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते, ये तो वैसे नॉर्मल सेंटेंस है. ओके, तो ये क्या बताते हैं, ये दोनों, ये हमारी एबिलिटी बताते हैं कि आई कैन मेक फूडी, मेरे में योग्यता कि मैं फूड बना सकती हूँ. ही कांट स्पीक फ्रेंच, कि उसमें वो एबिलिटी नहीं है, लाइक उसमें फ्रेंच बोलने की योग्यता नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट है यूज टू मेक रिक्वेस्ट्स और सजेशंस. जब हम किसी के लिए किसी से लाइक रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से सजेशंस मांगते हैं या देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कैन का यूज होता है. लाइक कैन आई हैव वन ग्लास वाटर सर, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हो. कैन आई हैव द बिल, कैन आई हैव द बिल, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा इसके आगे. कैन आई हैव द बिल, क्या तुम मुझे बिल दे सकते हो. यू कैन डू वट एवर यू वांट, तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो. ओके, ये क्या हो गया, सजेशन. सजेशन क्या दिया, कि तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो. ओके, सो ये था हमारा कैन. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज कुड. ओके, कुड क्या है, एक पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की. ठीक है, लाइक कैन कुड, है ना, जैसे हम कहते हैं ना डू डिड इस तरह से. ठीक है, डू डज डिड इस तरह से. ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक पास्ट फॉर्म है. लाइक डू की है डिड, तो इसकी है कैन की है कुड. ओके, सो ये किसके लिए यूज करते हैं कुड. द फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब एन एबिलिटी दैट समवन हैड इन द पास्ट. लाइक कुछ ऐसी एबिलिटी, कोई हमारी ऐसी योग्यता जो उसने, या कोई वर्क हो या कुछ भी हो जो उसमें किस कब हो, पास्ट में. लाइक मैं जब मैं छोटा था तो मैं दौड़ सकता था, मैं स्विमिंग कर सकता था, तो ये क्या होगी हमारी एबिलिटी. ओके, लाइक एग्जांपल देखते हैं. आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, क्या मैं तैर सकता था, कब, जब मैं यंग था, जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था, तो मैं क्या कर सकता था, तैर सकता था. यू कुड सी द बोट सिंकिंग, तुम क्या देख सकते हो, बोट सिंकिंग, सिंक मतलब होता है डूबना. ठीक है, तुम बोट को डूबते हुए देख सकते हो. दे कुड टेल ही वॉज नर्वस, उन्होंने मुझे बताया कि वह नर्वस था. ठीक है, या दे मुझे बताते हैं, बता सकते हैं, या बताते बताया. ठीक है, दे कुड टेल ही वॉज नर्वस, कि वह नर्वस था. अब कुड और किसके लिए यूज था, फॉर पोलाइट परमिशन के लिए. ठीक है, परमिशन लेती हूँ किस, लाइक कुड आई टेक दिस बुक, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ. ठीक है, कुड आई टेक योर बुक, कुड आई गेट यू मोर वाटर, कुड आई गेट यू मोर वाटर, क्या तुम मुझे और पानी दे सकते हो. कुड आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूँ. ठीक है गाइस, ये था कुड. अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन आएगा मे, इसका मतलब भी होता है सकना. ठीक है, कैन कुड मे, तीनों का सेम ही मीनिंग होता है, बट अलग अलग कंडीशंस में ये यूज होते हैं. ओके, मे किसके लिए यूज होता है, यूज टू आस्क फॉर फॉर्मल परमिशन. फर्स्ट वन इज परमिशन, लाइक जब हम बच्चे थे तो हम क्लास में एंटर करने से पहले सर से पूछते थे मे आई कम इन सर, सो ये वो वाला मे है. ठीक है, मे आई कम इन फर्स्ट वन इज. ठीक है, मे आई से समथिंग नाउ, क्या मैं अब कुछ बोल सकता हूँ. ठीक है, मे आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन के लिए. ठीक है, द नेक्स्ट यूज है इसका, यूज टू सजेस्ट समथिंग दैट इज पॉसिबल. लाइक यूज टू सजेस्ट, किसी को सजेस्ट करना समथिंग जो कि पॉसिबल हो. ठीक है, लाइक शी मे अग्री विद दिस प्लान, कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि शायद वह हमारे प्लान से क्या होगी, सहमत होगी. ओके, सहमत हो सकती है. यू हैव वर्कड हार्ड, यू मे गेट सक्सेस, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हें सक्सेस मिल सकती है. अब देखो संभावना तो है यहाँ पे, लाइक समथिंग सजेस्ट दैट पॉसिबल है. अब देखो मे एग्री विद दिस प्लान, अब यहाँ शायद प्लान अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली एग्री होगी, तो अब हम उससे पूछेंगे तो हमें, हमने अनुमान लगाया कि वो भी इससे एग्री होगी. ठीक है, इसमें लाइक 100% नियर 100% संभावना होती है. ठीक है, मे का यूज वहाँ होते हैं 100% यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो. यू हैव वर्कड हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल सकती. अब पता ही है हमें,
अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, तो हम किसका यूज करेंगे, मे का। ओके गाइज, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है माइट। माइट लाइक ऐसे बोलने से लगता है कि माइट माइट इट विल बी हैपन, शायद यह होगा, ठीक है। लाइक इसकी इसका मतलब होता है भी संभावना बहुत कम हो, 0% पॉसिबिलिटी, तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का। लाइक इसका यूज़ कैसे होता है, यूज टू सजेस्ट ए स्मॉलर पॉसिबिलिटी देन मे डज। लाइक मे में होती है नियरली 100% पॉसिबिलिटी, वहाँ पे 1% चांस कम होते हैं कुछ काम न होने के, लेकिन उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू माइट। अब माइट में 0 पॉसिबिलिटी मान लो, अभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें कुछ हम कह नहीं सकते। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही माइट हैव फिनिश्ड इट, ठीक है, शायद उसने इसे पूरा कर लिया होगा, ठीक है, या उसने किया हो, शायद उसने इसे यह ख़त्म कर चुका हो, शायद वैसे ख़त्म कर चुका हो। द स्टोर माइट हैव बीन क्लोज टू, अब ये माइट हैव फिनिश्ड इट, हो सकता है उसने इसे ख़त्म कर दिया हो, ठीक है। अब हो सकता है, हमें पक्का विश्वास नहीं है भी उसने किया ही होगा, शायद उसने ना किया हो, ठीक है। द स्टोर माइट हैव बीन क्लोज टूडे, जो स्टोर है भी शायद आज बंद हो, ठीक है, जो स्टोर है, हो सकता है कि जो स्टोर है वो आज बंद हो। लाइक माइट का मतलब एक हम ये भी, हो सकता है, माइट का मतलब हो सकता है। कैन और मे का मतलब होता है सकना, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी होती है उनके काम होने की। माइट में होती संभावना होती है, लाइक 0% हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं कुछ भी कार्य होने के, तो हम ये भी कह सकते हैं हो सकता है शायद ये काम हो। यू माइट हैव लॉस्ट इट, हो सकता है तुमने इसे खो दिया हो, ठीक है, हो सकता है शायद वो चीज़ उसके पास हो, उसे नहीं मिल रही, पर हम उसे कह रहे हैं कि हो सकता है तुमने उसे खो दिया हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट है विल। विल आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। विल का मतलब होता है हम कोई फ्यूचर की बात करते हैं, लाइक आई विल डू दिस, मैं यह करूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो विल किसके लिए यूज होता है, यूज टू एक्सप्रेस डिजायर, प्रेफरेंस, चॉइस और कंसेंट, ठीक है। कंसेंट होती है सहमति, किसी से सहमत होने के लिए, यस, लाइक कोई मुझसे पूछ रहा है विल यू डू दिस या आई विल, सो इस तरह से, ठीक है, सहमति होगी, डिजायर होगी, प्रेफरेंस होगी, चॉइस होगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, आई विल टेक दिस ड्यूटी, मैं यह ड्यूटी लूंगा, ये मेरी एक डिजायर है, ठीक है। विल यू स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट, ठीक है, ये कहते हैं विल यू स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस, क्या तुम इस तरह से बात करना बंद करोगे, ठीक है। ये हम कंसेंट बोल सकते हैं, लाइक एग्री हो या नहीं आप, विल यू स्टॉप, क्या तुम कर सकते हो या नहीं, वो अगले पे डिपेंड करता है वो करेगा या नहीं, इसे हम एग्रीनेस के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, या अगले की चॉइस है, ठीक है। तो एक तो होता है विल इसके लिए यूज। नेक्स्ट वन इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर, अब ये तो आपको पता है फ्यूचर टेंस के लिए आप यूज करते हैं, लाइक इट विल रेन टुमोरो, हो सकता है रेन हो, ठीक है। द न्यूज विल स्प्रेड सून, जो न्यूज है वो जल्दी ही फैल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट यूज है इसका यूज टू एक्सप्रेस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, ठीक है। कैपेसिटी होती है क्षमता, या कैप, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दिखाते हैं, दर्शाते हैं, किसी की क्षमता देखते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, विल। लाइक दिस एयरप्लेन विल टेक 200 पैसेंजर्स, जो ये जहाज है वो कितने पैसेंजर्स ले जा सकेगा, कितने, 200, ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है कि वो 2000 पैसेंजर्स कैरी, सॉरी 200 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, ठीक है। दिस बकेट विल होल्ड 2 gallons ऑफ वाटर, ठीक है, जो ये टोकरी है या कुछ भी है, जो भी है बकेट है, वो क्या कर सकती है, 2 gallons, जो 2 gallons ऑफ वाटर के है वो कैरी कर सकती है, ठीक है, उसमें वो इतना पानी भरा जा सकता है बकेट में, ठीक है, इस बाल्टी में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज
यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस. ठीक है, किसके लिए? जब हम कोई संकल्प लेते हैं, आग्रह करते हैं किसी से, या किसी जो ऐसा काम हो, हाँ मैं अटल हूँ, ये मैं करूँगा ही करूँगा. ठीक है, किसी को भी या किसी चीज़ के संकल्प लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, आई विल डू इट एज यू सी, मैं इसे करूँगा जैसा कि तुम मुझे कहोगे. ठीक है, अब मैंने कहा था जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, ये मेरी अटलता है या मेरा एक दृढ़ संकल्प है. ठीक है, या मैं किसी से आग्रह करूँगी कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी. ठीक है, ये हम बोलते हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है, जैसा हमारा एक्सप्रेशन होगा हम उसी तरह से बोलेंगे. आई विल डू इट एज यू से, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा. ठीक है, सो नेक्स्ट है वुड. ये है वुड है किसकी है? पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल वुड. ठीक है, ये इसकी एक पास्ट फॉर्म भी मानी जाती है. ओके, तो देखते हैं वुड किसके लिए यूज होता है. वुड होता है ओफन यूज इन auxiliary functions with rather to express preference. ठीक है, preference मतलब किसी की preference को हम express करते हैं. तो इसके साथ हम क्या use करते हैं? Rather का use. इसके बजाय मैं ये करूँगा, इसके बजाय मैं ये करूँगा, तब हम इसका use करते हैं would का. I would rather go shopping today. मतलब इसके बजाय मैं शॉपिंग जाऊँ. मुझे किसी ने कोई काम कहा, ठीक है तुम ये कर लो, तो मैं क्या कहूँगी? आई वुड रैदर गो शॉपिंग टूडे, कि इसके बजाय मैं शॉपिंग करने जाऊँगा. वी वुड रैदर से समथिंग देन स्टे क्वाइट. शांत रहने की बजाय हम कुछ बोलेंगे. ठीक है, तो इसका भी सेंस होता है, वुड का भी होगा, या गागेगी जैसे विल आता है उसी तरह से वुड का भी यूज होता है, सेम ही होता है. लेकिन ये क्या होती है? पास्ट फॉर्म ऑफ विल होती है इसके. ये पास्ट के लिए भी यूज होती है, प्रेजेंट के लिए, लेकिन इनकी कंडीशंस अलग अलग होती है. एक तो ये होता है इसके लिए, इसके वुड के साथ हम रादर का यूज कर सकते हैं, किसी की बजाय हम ये करूँगा तो इसलिए हम. ठीक है, नेक्स्ट है यूज टू एक्सप्रेस विश और डिज़ायर. हम किसी के सामने अपनी विश और डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी वुड का यूज़ होगा. आई वुड लाइक टू हैव वन मोर पेंसिल, कि मैं पसंद करूँगा कि मेरे पास एक और पेंसिल हो. ठीक है, मुझे ये पसंद होगा. आई वुड लाइक, हमेशा वुड के साथ आएगा. जब हम किसी के सामने विश और डिज़ायर रखते हैं तो आई वुड लाइक हमेशा, आई वुड लाइक टू से दैट, आई वुड लाइक टू डू दैट, हमेशा आएगा. ठीक है, वुड रादर आपने देख लिया कि आई वुड रादर गो शॉपिंग टूडे. ठीक है, या तो मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा, इसकी बजाय मैं ये करूँगा. रादर का मतलब होता है इसकी बजाय. ठीक है, सो नेक्स्ट है यूज टू एक्सप्रेस कंटिंजेंसी और पॉसिबिलिटी एंड रूटीन और हैबिचुअल थिंग्स. कंटिंजेंसी होता है ऐसी चीज जिसे जिसकी होने की संभावना हो, लेकिन हम निश्चित नहीं, हमें श्योरिटी नहीं हो सकते कि ये काम हो सकता है. ठीक है, उसकी संभावना होती है लेकिन हम कंफर्म नहीं होते कि वो काम होगा. ओके, और यहाँ होता है जहाँ हम इसे यूज़ करते हैं फॉर रूटीन के लिए और हैबिचुअल, जो हम डेली एवरीडे कोई भी काम करते हैं उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है. फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड बी सो हैप्पी, अगर मैं आपके जैसा मैं अगर आप होता तो मैं बहुत खुश होता. अब मैं खुश तो हो सकता हूँ लेकिन उसके जैसा, मैं उसके जैसा हूँ लेकिन उसके जैसा हम बिहेव तो नहीं, पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, हम किसी के जैसा नहीं बन सकते. हम उसकी हैबिट्स फॉलो कर सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं लेकिन हम उसके जैसे नहीं बन सकते हैं. Normally we would work until 6 pm. कि normally हम कब तक काम करेंगे? 6 बजे तक. ये क्या हो गया? हमारा रूटीन हो गया कि ये हम डेली करते हैं. Normally हम कितने बजे तक काम करेंगे? 6 बजे तक. ओके, सो द लास्ट मॉडल वर्ब इज शैल. तो शैल का यूज देखते हैं फॉर फ्यूचर. ये भी आपको पता है विल शैल एक साथ यूज होते हैं. ओके, शैल प्लूरल के लिए विल भी, हाँ विल, आई विल, शैल. विल का ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू शैल. फॉर फ्यूचर एंड आस्क क्वेश्चन पोलाइटली. ये अलग अलग तरीके,
कुछ लोग इसे पोलाइटली क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम इंटरोगेटिव बनाते हैं फ्यूचर में, तो उसी तरह से हम इसे क्या है क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए भी, लाइक शैल वी डांस, क्या हम डांस करें, शैल आई गो नाउ, क्या मैं अब जाऊँ, लेट्स ड्रिंक, शैल वी, चलो पीते हैं, शैल वी, क्या हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आस क्वेश्चन या फ्यूचर के लिए हो गया, ठीक है। और इसका यूज होता है ओफन यूज इन फॉर्मल सेटिंग टू डिलीवर ओब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट। ओब्लिगेशन क्या होता है, किसी के लाइक दायित्व हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल का, लाइक यू शैल अबाइड बाय द लॉ, तुम जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करोगे, ठीक है, तुम उनकी पालना करोगे, अबाइड होता है पालना करना। देयर शैल बी नो ट्रेसपासिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी। ट्रेसपासिंग होते लाइक किसी का भी उसके ऊपर जो अधिकार न हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेसपासिंग। देयर शैल बी नो ट्रेसपासिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर दिस रूम, जो स्टूडेंट है वो इस रूम में एंटर नहीं करेंगे। ये क्या है, एक ओब्लिगेशन है, ठीक है, कि ये हमने किसी को ओब्लिगेशन दिया कि तुम इसके अंदर, इस रूम के अंदर एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ओके गाइस, सो ये थे सभी मॉडल वर्ब्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है इन ईजी वे। तो आप, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसे रिपीट से देख सकते हैं पूरी वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर एंड लाइक, थैंक यू।